सत श्री अकाल पीटीसी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल अमित मल्होत्रा लैके हाजर अज दी खास पेशकश की समझिए। सब तो पहला गल करदे हां उन्हां लोकां दी जो अज सरकार अते प्रशासन की अणगहली कारण बीमार हो गए ने, अस्पताल पहुँच गए ने, बिस्तरियां नाल जुड़ गए ने, सरकार नूं कोस रहे ने, पुछ रहे ने कि आखिर उन्हां दा कसूर की सी, आखिर की होया भवानीगढ़ दे इस पिंड च। दिखाउंदे हां तुहानूं रिपोर्ट दे राहीं। भवानीगढ़ के लोगों तो सरकार खफा है ज रब यह पता नहीं, पर इन्ना जरूर पता है कि यह लोग तकलीफ च हैं, परेशानियों नाल घिरे हुए ने। आए दिन मुसीबतों का कोई ना कोई पहाड़ इन्हां सिर टूटी पैंदा है। कदे जमीन चो जहर निकलता है तो कदे पूरे पिंड नूं ही कोई बीमारी अपनी चपेट च लै लैंदी है। यह लोग भी अजिहे हालातों का सामना कर रहे हैं। तस्वीर पिंड मटरां दीआं ने जिथे शायद हर घर का कोई ना कोई जी इस वेले मंजे ते पिया है, तड़फ रहा है। हर दूजे शख्स की बांह ते ग्लूकोज की बोतल चढ़ी नज़र आती है। डॉक्टर बार बार इन्हों चेक कर रहे ने, वेख रहे ने कि इन्हों की सेहत च कोई सुधार होया जां फिर नहीं। यह सब होया है पानी के कारण। पानी जो लोगों नूं जिंदगी दिंदा है उस ने इन्हों बीमार कर दिता। दरअसल पिंड की पानी वाली टैंकी के सप्लाई पाइप च लीकेज होने कारण दूषित पानी लोगों के घर तक पहुँचा, जिसनों पी के पिंड के लोग मंजे ते पै गए। लोगों को डायरिया होने कारण, उल्टियां अते दस्त लगन की शिकायत होने कारण सेहत विभाग हरकत च आया। पिंड च पहुँच के डॉक्टर की टीम ने पीड़ित मरीजों का इलाज शुरू किया। उधर कुछ लोगों की हालत ज़्यादा बिगड़ जाने कारण उन्होंने सिविल अस्पताल रैफर कर दिया गया। जिहड़ियां तस्वीरां तुहानूं किसी हस्पताल दीआं नहीं दिखा रहे, असीं ग्लूकोज दीआं जिहड़ियां बोतलां लमक रहीआं ने, इत्थे इह हस्पताल नहीं है, इह पिंड मटरां दा गुरद्वारा साहब है जिथे कि हैल्थ विभाग वल्लों टीम आई हुई है। जो तुहानूं मंजिआं ते पए मरीज़ ने डायरिया दे शिकार हो चुके ने, तकरीबन 10 मरीज़ ने जिहड़े सिविल हस्पताल भवानीगढ़ विच एडमिट किए गए ने, ते एक मरीज़ सीरियस होण करके उहनूं संगरूर शिफ्ट किया गया। तुसीं देखो कि मंजे दे उत्ते जिहड़े मरीज़ ने उह डायरिया के शिकार हो चुके ने। असीं गल करते हाँ, की नाम है बेटा जी तुहाडा? अमृत कौर जी। की प्रॉब्लम आई है तुहानूं? मैनूं पेट दर्द जी, घबराड़ी। किस कारण करके आई है बेटा? पानी खराब होने कारण आई है जी। असीं सरकार तो मंग की सी, एस्टीमेट भी लवाया सी, पर उन्होंने की सानू जी आई पाइप लाइन पा के देन दा उन्हां दा फर्ज नहीं सी बनता। जे अज पाइप लाइन लीक ना होंदी अज साडा पिंड पी जी आई की कतार दे विच खड़ा हैगा। वह पी जी आई तो वध भी बेहतर हालात होए पए ने। एक भी कोई बैड ला लो, वो तो कहिंदे सी वी इन्हां नूं बैड नहीं मिल रहे, अज साडे मरीज मंजिआं ते पए आ। कि इह सरकार की गलती नहीं हैगी? पिंड दे सरपंच दा कहना है कि पानी सप्लाई करन वालियां पाइपां बहुत पुरानियां हो चुकियां ने। उन्हां इस संबंधी कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला नूं कई बार जाणू भी करवाया। विजेंद्र सिंगला ने उच्च अधिकारियों नूं चंडीगढ़ बैठी टीम नाल राबता कर इस दा एस्टीमेट तैयार करन दे लई हदायतां भी दित्तियां सन, पर शायद सिंगला साहब की भी हुण अफसरशाही गल नहीं सुनदी, क्योंकि ना तां चंडीगढ़ तों कोई पिंड च सर्वे करन दे लई आया ते ना ही उन्हां दी समस्या दा कोई हल निकलिया, जिस कारण पिंड दे लोग अज इस हालत च पहुँच चुके ने। जिहड़ियां डूंगियां, क्योंकि साडी सारी फिरनी है जिहड़ी सड़क बन गई, तो जिहड़ियां उह पाइपां ने 6-6 7-7 फुट डूंगियां हो गईआं, सो उत्ते सड़क बनन करके उहदी जिहड़ी लीकेज दा पता नहीं चलदा वी उह कित्थों लीक हो रहीआं ने। सो उह एस्टीमेट इसे करके असीं बनवाया सी वी सानूं जी आई पाइप दा जिहड़ा एस्टीमेट आ साडा पास किया जाए। तकरीबन 26 लाख का एस्टीमेट सी, उह जे उह पास हो जाता तो अज जिहड़ी दिक्कत है नहीं आउंदी। उहदे संबंध दे विच मंत्री साहब साडे विजेंद्र सिंगला जी ने उन्होंने भी पी के गर्ग नाँ के चंडीगढ़ जिहड़े अफसर साहबान ने जो जिन्हें पास करना सी सारा ड्राफ्टमैन ने, उन्होंने उन्होंने कहण के बावजूद मैं भी उन्होंने कोल स्पैशली 2 बार जाके आया भी साडे पिंड की जिहड़ी ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है वह आ है, सानू ये जरूरी चाहिए, पर उन्होंने साड़ी एक नहीं मनी, ना ही मंत्री साहब की मनी। अज सरकार आपदे अहुदे संभालण ते लगी है, तो कैप्टन आपदी कुर्सी बसाउण वास्ते लगे आ, सारे आपदे काटोकलिश च लगे ने, उन्हां नूं पिंड कोई नहीं दिंदे जो वोटां लैण आउणगे, पर यह भुल जाण कोई भी पार्टी साडे पिंड दे विच आ के ना वड़ जे। सुणिया तुसीं, जेकर एक कैबिनेट मंत्री दी नहीं सुनी जांदी तां आम लोकां दी गुहार इत्थे कौण सुनेगा? लोकां दा इल्जाम है कि सत्ता च आउण तों पहलां
जो कांग्रेस लोगों घर घर नौकरी देने दे वादे करती सी, लोगों हर सहूलत देने का दावा करती सी, उसे कांग्रेस का कोई आगू अज उन्होंने सार भी नहीं लै रहा। पिंड मटरां च डॉक्टरी टीमां तैनात कर दित्तियां गईयां ने, डायरिया के मरीजों की देखभाल करन च लगियां होईयां ने। जेकर किसी की सेहत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो उसनू भवानीगढ़ अस्पताल रैफर करके उन्होंने वक्त तो इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। पिंड च हुण पीण वाले साफ पानी के टैंकर भी पहुँचने शुरू हो गए ने, पर जड़े लोग बीमार हो के बिस्तरियां नाल जुड़ गए, आखिर उन्होंने लिए उन्होंने खराब होंगी सेहत के लिए कौन जिम्मेवार है? बेसिकली तो पानी ही स्प्रैड हुई है जी, कितने ना कितने सीवरेज ना इंटरमिक्स हो गई, किमें ना किमें हो गया, वो करके ही होया। जो कोई पार्टिकुलर एरिया है, कोई खास एरिया उत्थे है, कोई पैप जी, तो यह भी गल हुई है भी ए नहीं है भी कोई होर सोर्स तो वाटर सोर्स ही है, जिन्होंने घर सबमर्सिबल लगे थे उत्थे प्रॉब्लम नहीं है। असी देखो हर लैवल से तीन लैवल क्रिएट किए ने, एक तो लोगों को पिंड लैवल से सिचुएशन सहूलत दी थोड़े सामने ही है, इतने साड़ी मैडिकल टीम पहुँची हुई है, SMO साहब है, डॉक्टर साहबान है, मैं खुद आया। असं ये जो बंदे माड़ा मोटा पीड़ित ने जिन्होंने माइल्ड एरिया जिम्मे उन्होंने परसों ही लूज मोशन लगे से कल ठीक रहे, वो असं ये लैवल से मैनेज कर देंगे। जेडे केस सानू थोड़े बहुत सिक लगन गए भी हाँ जिन्होंने लड़ हैगी असं उन्होंने भवानीगढ़ शिफ्ट करा, इन केस कोई ज़्यादा पेशेंट सिक हों, जिम्मे कल एक माता शिफ्ट सिक लगती सी सानू, हाल दो वैसे भी बीमार से खून भी 5 ग्राम ही, वो असी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर से शिफ्ट की है। उधर अपने बचा च वाटर सप्लाई वाले अधिकारियों का की कहना है, आओ वो भी सुन लें। मानजोग SDM साहब के नॉलेज आया, उन्होंने नाल हेल्थ विभाग सेहत टीम के प्रबंध किया, पिंड के आके चैकिंग चल रही है, साढ़े वालों ब्लीचिंग पाउडर पा के सोडियम साइपोक्लोराइड पा के स्क्रबर कितिया जा रही ने पैप लैना। बिल्कुल जी, तुम सुनया कि SDO साहब का कहना कि जो सूँ पता लगे असी उदों ही इतने पहुंचे, पर यह भी एक सवाल है क्योंकि जिहड़ियां पानी वालियां टैंकियां ने भावें पैप रिसदे ने उन्हां दी किन्नी मनियाद है, उहदे वल कोई ध्यान नहीं दिता जांदा। जदों कोई विपता पैंदी आ उदों ही जिहड़ा महकमा उठ के बाहर आउंदा है, उदों ही चैक जां कोई शिकायत हुंदी है उस टाइम की गौर की जाती है, पर जिहड़े हालात ने उह बदतर हो चुके ने। इन्हां तस्वीरां दे सामने आउण तों बाद दसो कि आखिर की समझिए, इह तस्वीरां सवाल पुछ रहीआं ने कि आखिर क्यों लोकां दे हस्पतालां दे बिस्तरियां तक पहुंचण तों बाद ही सरकार अते प्रशासन हरकत चाहुंदे ने, क्यों पहला अपनी जिम्मेवारी समय सिर सही ढंग दे नाल प्रशासन अते सरकार वालों नहीं निभाई जाती। सवाल यह भी है कि जेकर कैबिनेट मंत्री दी ही नहीं सुनी जा रही तो आम लोगों की कौन सुनेगा? PTC न्यूज़ लई संगरूर तो गुरदर्शन सिंह की रिपोर्ट। अगे वधदे आं, डिजिटल इंडिया बनाउण की गल लगातार की जाती है, देश किन्ना कु डिजिटल होया है वह किसी तो लुकिया नहीं, पर हाँ चोर अते ठग डिजिटल जरूर हो गए ने। अजिहे च कुछ बदमाशा ने खुद नू BSF अधिकारी दस के एक ढाबा चलाउण वाले परिवार नू अपना शिकार बनाया, किवें मारी गई ठगी विखाउने तुहानू एक रिपोर्ट दे राही। इस ढाबे दीआं तस्वीरां असीं तुहानू इस लई नहीं विखा रहे कि इत्थों दा खाणा बड़ा लजीज है जां फिर इत्थों दी चाह बड़ी कड़क है। यह ढाबा असी इस लई विखा रहे हाँ क्योंकि तस्वीरां च नज़र आ रहे है लोग ठगी का शिकार हो गए ने, वह भी एक BSF के अधिकारी दे हत्थों। नहीं 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 नहीं, असली नहीं, इन्हां नाल एक नकली BSF अधिकारी ने ठगी मारी है, एक बहरूपीए ने ठगी मारी है, वह भी बेहद शातर ढंग दे नाल। जी हाँ, हुण डिजिटल इंडिया के दौर च ठग भी डिजिटल हो गए ने। यह मामला सामने आया है गुरदासपुर तो, जिथे एक छोटा जिहा ढाबा चलाउण वाले पति पत्नी दे नाल ठगी वजी है। पीड़ित जसबीर कौर अते उसके पति ने दस्सिया है कि बीते दिन एक आदमी ने उन्होंने फोन किया अते खुद नू BSF तो दस के खाने का एक बड़ा ऑर्डर दिता। ढाबा मालक ने जदों ऑर्डर तैयार होने ते फोन करके खाना ले जाने लई कहा तां ठग ने पैसे देने दे बहाने पीड़ित नू अपने ATM की फोटो खिंच के भेजन दे लई कहा। उस तों बाद जो होया तुसी पीड़ितां दी जुबानी ही सुन लो। रोटी बना के अं फोन किया उन्होंने कि भाजी रोटी लै जाओ, तीन अं रोटी बनाती है, तो कहें कि तुम ना सूँ बिल भेजो कि अं पिछे अफसर दसना है वा, तो फिर अं कापी पेज से लिख के तो उन्होंने सेंड किया WhatsApp से,
तो वो कहते कि तुम अपना ना आधार कार्ड अपना ATM कार्ड नंबर ना दवो तो वह मुंडे ने फिर उन्होंने पहला भेजा भी फिर बाद चे फोटो खिंच के भेज दी व्हाट्सएप से कहते कि ता ना एक तुम मैसेज आएगा तो तुम वो सू दस दौ अं दसिया तो कहते कह ना शो नहीं हो जेडे को होर नंबर हैगा वा खाते का तो वह दसो तो बेटे ने वह भी दस दिता तो बाद चो एक मैसेज आया वो दसिया उन्हें तो जो उन्हें फोन बंद किया वा तो बाद सू मैसेज आ गया कि साढ़े दोनों खातों चो पैसे निकले। पीड़ित परिवार का कहना सी कि उन्होंने वालों 10-10 रुपए करके पैसे इकट्ठे किए गए सी पर इन्हों ठगा ने उन्हों की सारी जमा पूंजी से हाथ साफ कर दिता दो खात्यां च पए 8,000 रुपए उड़ा ले गए। पीड़ित इंसाफ की मांग कर रहे ने एक 5600 ही एक 1900 ही जी सा रोटी 1200 रुपए की खराब हुई है वक्री हुई है वो कहता भी मैं आर्मी का बंदा वा ताड़ी दुकान दे मगर जो आर्मी कैंट है उतों बोलन दिया वा बाद गलबात हुई बंदे ने साढ़े 10:30 बजे गल हुई है 10:30 बजे कहता भी साढ़े को गलती ना पैसे निकल गए तो अं 12 बजे तक ताड़े अकाउंट से पा देंगे तो अं 1 बजे तक डीकिया तो साढ़े अकाउंट से कोई पैसा नहीं आया। उधर पुलिस का कहना है कि उन्होंने ढाबा मालक वालों लिखती शिकायत मिल गई है जांच दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उन्होंने मुताबक कार्रवाई जरूर की जाएगी। वो कहते जो असी रोटी बना के रख दी 20 थालियां तो कोई ना रोटी लेना तो ना कोई फिर उसने पूछा फिर रोटी कहता कोई नहीं रोटी मैं ले जाना तुम अपना अकाउंट नंबर दो उन्होंने इन्होंने पता नहीं अनपढ़ बंदे उन्होंने अकाउंट नंबर अपना देता कहता अकाउंट नंबर दो मैं पहला पैसे पा दूँ तो पैसे उन्हें कहती आह अकाउंट नंबर आ तो कहना कोई नहीं मैं लै भी जाना मुड़ के वो वेख्या कहीं मेरा 5,000 तो उपर पैसा भी निकल गया तो फिर वो दरखास्त देने आई सी मार्क करते मैसेज हाँ वो जाँच होगी साइबर सैल तक करेगा वो जाँच जो भी तत्थ सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। इस मामले ने मुड़ तो यह साबित कर दिता है कि किवें एक छोटी जी गलती भारी पै सकती है किसी नाल भी अपने बैंक खाते की जानकारी साझा करना तो खाते खाली कर सकता है पर अजिहे शातर बदमाश भोले भाले लोगों अपना शिकार बनाते ने नाल ही BSF अधिकारी का रूप धारण करके उन्हां शख्सियतों बदनाम करने की कोशिश करते ने जिन्हां सिर देश की राखी का जिम्मा है। उम्मीद है कि बदमाशां अजिहे लुटेरियां पुलिस छेती काबू कर लेगी। PTC न्यूज़ लई गुरदासपुर तो सतनाम सिंह प्रीत की रिपोर्ट। अगे वधदे आं पंजाब च अजकल हर कोई धरने दे रहा है हर कोई प्रदर्शन कर रहा है अपनी मंगां नूं लैके रोस मुजहरे करदा नज़र आउंदा है भावें उह कच्चे मुलाजम होण बेरोजगार अध्यापक होण जां फिर PRTC मुलाजम सोमवार का दिन भी धरनियां दे नाम हो निबड़िया सड़कां ते लोक अपनियां मंगां नूं लैके प्रदर्शन करदे नज़र आए किसने अते कित्थे धरने दित्ते अते किस गल करके प्रदर्शन कीता विखाउने आ तुहानूं इक रिपोर्ट दे राहीं। हाय हाय दे नारे सूबा सरकार खिलाफ प्रदर्शन आए दिन जनता परेशान जनता सूबा सरकार तो खफा कोई नहीं सुन रहा इन्हां दी गुहार सूबा सरकार दे खिलाफ अपनियां मंगां नूं लैके जनता लड़ाई कर रही है सड़कां ते सरकार खिलाफ नारेबाजी कर रही है अपनी मंगां दी पूर्ति दे लई सरकार नूं गुहार ला रही है। खैर मुद्दे की गल ते आ जांदे आ पंजाब दे शाही शहर CM दे अपने शहर च आए दिन कोई ना कोई सुर कैप्टन सरकार दे वादे चेते करवाउंदे ने सवाल खड़े करदे ने कि क्यों कैप्टन सरकार दा अजिहा सलूक है क्यों नहीं जनता दी सार लई जा रही क्यों जनता नूं सड़कां ते नितरन दे लई अते खुद नूं परेशान होण दे लई मजबूर कीता जा रहा है नाल ही नाल आम जनता भी परेशान हो रही है सवाल तां आए दिन सूबा सरकार ते खड़े हो रहे ने पर हालात हालात उही ने TV स्क्रीन ते तस्वीरां ने शाही शहर पटियाला दी जिथे PRTC दे मुलाजम सड़कां ते उतरे होए ने यह कोई एक शहर की तस्वीर नहीं तस्वीरां तुहानू होर भी विखाउने संगरूर बस स्टैंड की भी तस्वीर रही है जिथे सूबा सरकार नूं लांतां पाईआं जा रहीआं ने सूबा सरकार की कारगुजारी ते बार बार सवाल खड़े किए जा रहे ने इन्हां मुलाजमां वल्लों मुजारे किए जा रहे ने मुलाजमां की मंग है कि पंजाब रोडवेज
ਵਨ ਬੱਸ ਤੇ BRTC ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਖੈਰ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਨ ਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਖਰ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। BRTC ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 10,000 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਲੀਟ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੀਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਹੋਚ ਆਈ ਸੀ, ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 10,000 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12-12, 13-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2016 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ NPA 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20% ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਪੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ DA ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ DA ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਰੀਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਲਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਰੋਸ ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। BTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।